राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच। पांढरकवडा तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, बहुजन समाजासाठी कार्य करणाऱ्या संघटना, विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार वर्ग हे बोंबाबोंब आंदोलन यशस्वी करण्याकरता मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी राजेंद्र राजदीप, प्रमोद काणिंदे, ॲडव्होकेट अनिल किनाके, दीपक पडोळे, मनोज क्षीरसागर, घनश्याम मडावी, दत्ता ठाकरे, आशिष सावळे, विठोबा भोयर, प्रशांत मुनेश्वर, वासुदेव शेंद्रे, सुषमा राजदीप, रुचिरा काणिंदे, पूनम गेडाम, कृष्णाजी किनाके, रामचंद्र अडते, नितीन बंत पेल्लीवार, सुनील मोहुरले, सिद्धार्थ बुजाडे, दिनेश आमट, स्वप्निक बावणे व इतर कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले आहे। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का महाराष्ट्र राज्य का प्रदेश महासचिव आज 19 जुलाई 2021 को संपूर्ण महाराष्ट्र में 358 तहसील में और 36 जिला में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का आरक्षण बचाओ, प्रतिनिधित्व बचाओ इस उपलक्ष्य में तीसरा आंदोलन का चरण चल रहा है। महाराष्ट्र शासन द्वारा 18 फरवरी 2020 को आरक्षण रद्द करने का आदेश जारी किया था, उसी के उपलक्ष में और किसान कानून जो काले कानून बनाया है उसको रद्द करने के उपलक्ष में, लेबर के जो काले कानून बनाए हैं उसको रद्द करने के उपलक्ष में नए जो कर्मचारी है उनको जो नई पेंशन लागू की है वो पेंशन नहीं के बराबर है, वो रद्द करने के उपलक्ष में हमार नई शिक्षा नीति जो है वो पूरी प्राइवेटाइजेशन को फेवर करती है, ऐसे 11 मुद्दों को लेकर हम लोग संपूर्ण महाराष्ट्र में तहसील पर आंदोलन चल रहे, उसी का हिस्सा आज केलापुर तहसील और केलापुर आरएमबीकेएस यूनिट के माध्यम से लगभग 7 ऑफिस में निवेदन दिए गए हैं और अगला चरण आंदोलन का जिला कार्यालय पर है। मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ स्टार महाराष्ट्र का जिन्होंने ये बाइट्स लिए है और हमें अपने हक अधिकार के लिए बोलने के लिए मौका दिया है, धन्यवाद। नहीं कुणाच्या बापाच राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच विजय असो, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच विजय असो। प्रतिनिधी आतिक शेख व सोहेल खान। आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, धन्यवाद।